Hello everybody, we are again here, chemistry project. So मेरा नाम है प्रियलेश चौबे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूं आज भी लास्ट लेक्चर की तरफ. और आज होगा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना. आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर के बारे में, ठीक है. तो इसमें जो पहला नेमिंग रिएक्शन होगा वो होगा रीमर टीमन रिएक्शन, है ना, राइमन टाइमन रिएक्शन, ठीक है. तो राइमन टाइमन रिएक्शन में जो पहला नेमिंग रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, पहले इसमें होता है फिनॉल, है ना. फिनॉल लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, एक्वस NaOH, ठीक है. टेम्परेचर ध्यान देना है 340 केल्विन, टेम्परेचर कितना होगा 340 केल्विन. और HCl जो सेकेंड स्टेप होगा, अभी मैं आपको मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, बोर्ड के एग्जाम के बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये जो रिएक्शन है. बाकी कंपटीशन में तो सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, लेकिन ये जो होता है बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. और इससे जो प्रोडक्ट बन गया है वो सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है. तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में. तो रिएक्शन मैकेनिज्म जरा आप ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे पेन से बना देता हूं मैं, पेन से, ठीक है. तो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग बनाइए आप, इस पे OH ग्रुप जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया. फिनॉल में क्या होता है, इसका रिएक्शन कराया जाता है क्लोरोफॉर्म से, किससे, क्लोरोफॉर्म से, ये पता है आप लोगों को कि ये क्लोरोफॉर्म होता है, प्लस एक्वस NaOH, ठीक. उसके बाद से 340 केल्विन टेम्परेचर, ठीक. इससे क्या होगा, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग तो यहां पे जो होगा वो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, बेंजीन में होता है ना, बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होता है अगर कोई ग्रुप नहीं लगा है तो, ठीक है. अच्छा अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है इसमें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना. इसमें क्या है, ये ऐसे टूटता है, ध्यान दीजिए, CHCl2 प्लस Cl माइनस, ठीक, और ये प्लस, पूरा ये होल जो होगा वो प्लस होगा, ठीक है. तो जिस पे प्लस चार्ज होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल. और जिस पे माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना. तो यहां पे ये सोडियम जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, यहां पे जाके इसको रिप्लेस कर देगा ये, है ना, ठीक है. और ये जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना, यहां के हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसको जाके रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये, ठीक है. और ये CHCl2, ठीक है. अब क्या होगा, आगे क्या होगा, यहां पे कुछ निकलेगा भी, जाहिर सी बात है निकलेगा, वाटर निकलेगा, है ना, और HCl निकलेगा, ठीक है, दो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे. आगे क्या होगा, आगे इसका फिर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, इस बार भी NaOH से, ठीक, NaOH से, ठीक, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ठीक. तो क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना. अब सोडियम जो था यहां पे CH है, ठीक है, ये यहां पे OH आके दो मॉलिक्यूल लग जाएगा, है ना, क्या सोडियम ऐसे टूटता है, CN प्लस H माइनस, ठीक. ये सोडियम यहां क्यों नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे सोडियम है, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फिर दिक्कत करने लगेगा फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग, है ना. अभी सिंपल समझते हैं, है ना, ठीक है. तो उसके बाद से इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एसिड के,
डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि हमें ये सोडियम भी हटाना है ना, तो क्या बन जाएगा अपना एच। ठीक है, ये एक्चुअली दो स्टेप में होता है, ये पहला ये दूसरा है ना, पहले इसको हीट करेंगे फिर उसके बाद से इसको डाइल्यूट एचसीएल से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो जो बन गया जाएगा इसे बोलते हैं सैलिसिल डिहाइड। बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए पहले क्या किया हम लोगों ने, क्लोरोफॉर्म और एक्वस एनओएच से रिएक्शन कराया, ये हमें पता है। वीक क्या है ये, सोडियम जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक कर देगा उस पर, हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका फिर से क्या करवाएंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो दो मॉलिक्यूल ऑफ OH आके यहाँ पे दो क्लोरीन की जगह चिपक जाएंगे, और यहाँ पे दो जो सोडियम था और यहाँ का दो क्लोरीन मिलके NaCl बना लेंगे, दो मॉलिक्यूल। ठीक, नमक निकल जाएगा, ठीक है, सॉल्ट निकल जाएगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, डाइल्यूट HCl से करा देंगे रिएक्शन। पहले हीट करेंगे इसको, हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा है ना, और फिर उसके बाद से इसका डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिर से वही नमक निकल जाएगा अपना है ना। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं आप, बड़े छोटे छोटे रिएक्शन है, इसको मैंने दो पार्ट में बनाया है। ठीक है, तो पहला ये पार्ट है, दूसरा पार्ट आगे मैं बताऊंगा। रोजनमोंट रिएक्शन, रोजनमोंट रिएक्शन में क्या होता है, ये होता है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड है ना, एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा, हाइड्रोजिनेशन करा दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसका रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन एक ही चीज होता है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना है ना, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब भी होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी बातें हैं, कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, ये कैटलिस्ट पैलेडियम बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और अपना एल्डिहाइड बनके तैयार हो जाता है ना। ठीक, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गटरमैन रिएक्शन है ना, गटरमैन कोच रिएक्शन, सॉरी गटरमैन रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़े थे, गटरमैन रिएक्शन पढ़े थे हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे आप बेंजीन ले सकते हैं या फिर उसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। सिर्फ ये देखना नहीं है, बातों को भी ध्यान से सुनना है ना। उसका रिएक्शन कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से है ना, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये याद रखना है आपको, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में है ना। ठीक है, इससे बन जाता है आपका बेंजल डिहाइड है ना, बेंजल डिहाइड। ठीक, छोटे छोटे रिएक्शन है, बस याद करना है आपको है ना। क्लिमेंसन रिएक्शन, क्लिमेंसन रिएक्शन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, क्लिमेंसन रिएक्शन जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड को है ना, एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं है ना। क्लिमेंसन जी ने बनाया है इसको है ना, इसलिए इसका नाम क्लिमेंसन रिएक्शन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कराया था, जिंक मरकरी अमलगम का है ना, जिंक मरकरी अमलगम के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना, इसके प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करा दिया था है ना, रिडक्शन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से ना, तो यहाँ पे क्या बन गया था, अल्केन बन जाता है, उसी कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन का एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का कीटोन बन जाता है, सॉरी अल्केन बन जाता है ना, और वाटर निकल जाता है ना, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक, आगे देखते हैं, अगला जो है आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसका नाम है वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। सेम है वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, क्लिमेंसन रिएक्शन, दोनों का काम सेम है भैया, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब रिडक्शन करवाते हैं इसका है ना, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट लिया जाता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन रिएक्शन कराया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से होगा तो ये क्या होगा, एसिड टूटेगा है ना, और यहां से दो हाइड्रोजन लेके ये वाटर बना लेगा, देखो यहाँ पे बनाएगा है ना,
वाटर बना लेगा, और ये जो डबल बॉन्ड, अब कार्बन अपनी चार वैलेंसी तो मेंटेन करेगा, तो दो बॉन्ड ये इस नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। ठीक है, इस नाइट्रोजन थोड़ा मुझे ज्यादा बढ़िया तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए था, जैसे ऐसे, है ना। ठीक, ये ओ, ठीक है, प्लस H2N S2 ऐसे करना चाहिए था, और ये ऐसे निकाल देना चाहिए था। ठीक, फिर ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना लेगा कार्बन के साथ, और ये बन जाता है जो प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट होता है ये भी, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोजन, नाम याद रखिएगा आप लोग, ना। ठीक है, उसके बाद से इसका अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस से रिएक्शन करा दिया जाता है और नाइट्रोजन निकल जाता है अपना, है ना। ठीक है, नाइट्रोजन जब निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, अरे दो नाइट्रोजन है ना, है ना, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया और ये क्या बन गया, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, ये अल्केन बन गया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिए। ठीक है।